चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज रो, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओम, देन इट्स लेंथ विल बी। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। और अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखो जरा, एल अपॉन एल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। क्या होता है? वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन में मैं सारा डेटा पुट करूं, जैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम दिया हुआ है, आर की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 3 मीटर क्यूब, वॉल्यूम की जगह 3 मीटर क्यूब, 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई रो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड से, 3 बाई अंडर रूट रो, ये हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।